हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम सीखेंगे हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में, विच इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन क्लिक ऑन द आई कार्ड एंड डायरेक्टली आप प्ले लिस्ट पे जा सकते हो जहाँ पे आपको 8 के सारे ही वीडियोज मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? जब भी एक पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जब बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, फिजिकल मीन्स एक पर्सन का हेल्थ काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, उसके बॉडी के फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं। मेंटली दैट इज एक पर्सन में स्ट्रेस को डील आउट करने की जो एबिलिटी होती है वो कितना स्ट्रांग है। देन सोशल वेलबींगनेस मीन्स आप बाहर सबके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, कितनी अच्छे से सबके साथ रहते हो, हाउ वेल आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर आर कंसिडर्ड एंड इससे हम कह सकते हैं कि पर्सन हेल्दी है या नहीं। इट्स नॉट जस्ट कि कोई पर्सन के अंदर डिजीजेस नहीं है तो वो हेल्दी है। ये सारे ही फैक्टर्स को कंसिडर करके ही हम एक पर्सन को हेल्दी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। ठीक है। अब डिजीज क्या होता है? डिजीज मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स एक पर्सन की बॉडी में एंड साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली जब कोई पर्सन को प्रॉब्लम्स होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं मेंटली, तो दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो जब भी एक पर्सन के बॉडी में फिजिकली और मेंटली कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डिजीज। अब डिजीजेस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंटू 2 टाइप्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजंस। ओके, कितनी ड्यूरेशन तक एक डिजीज लास्ट करता है उसके हिसाब से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड डिजीजेस को हम उसके रीजंस की वजह से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जो डिजीजेस होते हैं उसे हम कह सकते हैं एज क्रॉनिक डिजीजेस एंड एक्यूट डिजीजेस। अब क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं वो ऐसे डिजीजेस हैं जो कि 3 मंथ से ज़्यादा लास्ट करते हैं। इन्हें क्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये ज़्यादातर जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें दिखा जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस आर कैंसर, आर्थराइटिस। ये सब जो है उसके सिम्टम्स दिखने के लिए थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन लगता है एंड दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एकदम से आकर आप उसे ट्रीट करके एकदम से गायब नहीं हो जाएगा वो, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। देन एक्यूट डिजीजेस जो होते हैं दे आर डिजीजेस जो कि एकदम से सडनली आ जाते हैं एंड विथ ट्रीटमेंट वो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी फ्लू हो गया, इन्फेक्शंस हो गए। तो ये सारी चीजें कैसे होते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट ले लें तो दे कैन बी क्योर्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाता है। सो क्रॉनिक डिजीजेस बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक रहते हैं, एक्यूट डिजीजेस सडनली अपीयर होते हैं एंड बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रीजंस अगर हम डिजीज को क्लासिफाई करें तो इट वुड बी हेरिडिटरी डिजीजेस जैसे कि डाउन सिंड्रोम एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड डिजीजेस? ये डिजीजेस किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी पैथोजेंस की वजह से होता है या कोई लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। सो एक्वायर्ड डिजीजेस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेस है। ओके, बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आने की वजह से ये डिजीजेस होते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिजीजेस इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस मींस ये कोई पैथोजन की वजह से नहीं हो रहा है, बेसिकली पर्सन के लाइफस्टाइल की वजह से या फिर एनी जेनेटिक रीजंस की वजह से पर्सन को डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस ये सब हो सकता है एंड दीज आर नॉन इन्फेक्शियस। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, सो एक्वायर्ड डिजीजेस मतलब डिजीजेस जो कि एक इंडिविजुअल में अपीयर होता है ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम। उनके जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं वो पैथोजेंस की वजह से होता है जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एंड जो लाइफस्टाइल की वजह से होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस। ठीक है, दिस वाज अबाउट टाइप ऑफ डिजीजेस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, हाउ डू द फॉलोइंग डिजीजेस स्प्रेड? क्विकली हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ओके, हेपेटाइटिस जो होता है वो लिवर को इफेक्ट करता है एंड कॉमन जो हेपेटाइटिस के टाइप्स है A, B and C। हेपेटाइटिस A जो होता है इट इज हाईली कंटेजियस, वो यूजुअली स्प्रेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या वाटर। हेपेटाइटिस B स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स। एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स से जब दूसरा पर्सन कॉन्टैक्ट में आता है तो उसे हेपेटाइटिस B हो सकता है। देन हेपेटाइटिस सी जो होता है वो इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से होता है. जब भी दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से कॉन्टैक्ट में आता है तो दैट पर्सन कैन गेट हेपेटाइटिस सी. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज मलेरिया. मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है ना. ये जो पैरासाइट है दैट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ एनाफिलिस मॉस्किटो. एनाफिलिस मॉस्किटो एक टाइप ऑफ मॉस्किटो, इट्स अ फीमेल मॉस्किटो जो कि ये पैरासाइट को स्प्रेड करते हैं ह्यूमंस तक. ये जो मॉस्किटो है जब भी एक पर्सन को बाइट करता है तो उनके बॉडी में जो पैरासाइट प्रेजेंट होता है दे ट्रांसफर दैट पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड उस पर्सन को फिर मलेरिया हो जाता है. दिस मॉस्किटो इज अ मेन सोर्स जिससे कि ये पैरासाइट स्प्रेड होता है. नेक्स्ट इज स्केबीज. स्केबीज स्किन का एक एची कंडीशन है, ये भी पैरासाइट की वजह से होता है. अब ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है. एक पर्सन को अगर स्केबीज हो गया, दूसरा पर्सन अगर उससे कॉन्टैक्ट में आता है तो दैट पर्सन कैन गेट स्केबीज. नेक्स्ट इज टीबी. टीबी इज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मेनली अफेक्ट्स द लंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स. जब भी एक टीबी इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तो उसके बॉडी से जो टाइनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो दैट ड्रॉपलेट्स विल कंटेन दीज बैक्टीरिया. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसका नाम. तो वो बैक्टीरिया दूसरे पर्सन के बॉडी के अंदर पहुंच गया तो दैट पर्सन कैन गेट ट्यूबरक्लोसिस. ओके, सो इट्स इन्फेक्शियस डिजीज, इजिली स्प्रेड हो सकता है. द नेक्स्ट इज डेंगू. एक पर्सन जिसको डेंगू हुआ है दैट पर्सन विल हैव हाई फीवर, हेडेक, रैशेस एंड पेन होता है थ्रू आउट द बॉडी. इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो. मलेरिया वॉज ट्रांसफर्ड बाय एनाफिलिस मॉस्किटो एंड डेंगू एडिस मॉस्किटो की बाइट की वजह से होता है. बाइट की वजह से होना मीन्स व्हेन दैट मॉस्किटो बाइट्स उसके अंदर जो पैरासाइट प्रेजेंट है वो इन्फेक्ट करता है. मॉस्किटो नहीं इन्फेक्ट करता है, मॉस्किटो के ऊपर वायरस इज प्रेजेंट एंड दैट वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी एंड फिर जाके एक पर्सन को डेंगू हो सकता है. So Aedes mosquito is the transmitter. Next disease mentioned is dysentery. It's infection of the intestine. बहुत ज्यादा डायरिया होता है, that is loose motions होते हैं जब एक पर्सन को dysentery होता है. That is because ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. जब भी हम अनहाइजीनिक वे में जो फूड बनाया है उसे कंज्यूम करते हैं, जो बाहर का कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है उसे जब हम कंज्यूम करेंगे स्पेशली इन दीज रेनी सीजन डिसेंट्री होने का बहुत हाई चांसेस होता है. नेक्स्ट इज रिंगवर्म. रिंगवर्म जो है दैट्स इन्फेक्शन जो कि एक फंगस की वजह से होता है एंड इट अफेक्ट्स आवर स्किन. ओके, स्किन के ऊपर एक गोल ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, एड्स में भी आता है, इसका जो मेडिकेशन है उसका एड आता है तो यू माइट हैव सीन द स्ट्रक्चर. तो दैट इज कॉल्ड एज रिंगवर्म. तो ये एक फंगस की वजह से होता है एंड दिस कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. ओके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रांसफर हो सकता है बाय डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू या फिर स्वाइन इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस दैट इज H1N1 उसकी वजह से होता है एंड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू सेक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा. एक पर्सन के नोज के सेक्रेशन से, थ्रोट के सेक्रेशन से, सलाइवा से दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन. पैथोजन मीन्स जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन कॉज डिजीज और इलनेस टू इट्स होस्ट. जो भी पर्सन की बॉडी के अंदर कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन घुस जाता है तो वो जो भी पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है तो दैट पर्सन विल बी इन्फेक्टेड विद दैट डिजीज. सो पैथोजन क्या होता है, इट्स अ इन्फेक्शियस एजेंट जो कि एक पर्सन के अंदर अगर चला गया तो इट कैन कॉज डिजीजेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, या फिर दूसरे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुसते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं. बहुत सारे केसेस में इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस. सो व्हाट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस. डिजीजेस जो कि स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड एयर वाटर, फूड या फिर वेक्टर्स जैसे कि इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, जब भी कोई डिजीजेस एक से ज्यादा पर्सन को हो सकता है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड एयर, वाटर या फूड, ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। These are the sources from where infectious diseases are spread. Let's look at few of the infectious diseases. First is tuberculosis. Tuberculosis के बारे में just हमने बात किया था। So यहाँ पर आपको pathogen, mode of infection, symptoms, prevention and treatment ये दिया गया है। The table is given. So quickly हम उसके बारे में देख लेते हैं। Tuberculosis जो होता है that is caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculae. अब यहाँ पर mode of infection क्या है? It's spitting by patient. जब एक patient थूकता है तो उसके spit के अंदर ये बैक्टीरिया present होते हैं and ये बैक्टीरिया वो थूक जब किसी और के बॉडी में जाके गिरती है या somehow if it enters other person's body तो that person will get this infection. Next is through air. When a person coughs or sneezes, infected person जो cough or sneeze करेगा तो उसके जो water droplets रिलीज होते हैं आफ्टर द कॉफ और स्नीज, उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड इफ इट एंटर्स अदर पर्सन्स बॉडी, उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। देन लास्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। जो भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसका जो ख्याल रखते हैं, उसका जो केयर करते हैं, ऐसे लोग रिस्क पे होते हैं ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम तक इनके साथ रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स for taking care of patients having tuberculosis. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डर कर ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। विद प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स इनका केयर करना कोई गलत बात नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फैमिली मेंबर्स को अगर किसी को भी ये टीबी हो गया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम बट विद प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। नाउ लेट्स लुक एट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। क्रॉनिक कफ, बहुत ज्यादा खांसी होती है, देन ब्लडी स्पिटिंग, इमैसिएशन। इमैसिएशन इज एक्सट्रीम वेट लॉस। जब भी एक पर्सन की बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल मास एंड बॉडी फैट निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं इमैसिएशन। देन नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। देन व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट क्या है इस डिजीज का? BCG वैक्सीन। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, सबसे पहला वैक्सीन जो उसे लगता है दैट इज BCG वैक्सीन। इसे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेशेंट को आइसोलेट करके रखना, मीन्स पेशेंट को एक सेपरेट रूम में रखना ताकि जो बाकी के लोग हैं उन्हें वो इन्फेक्शन का डर ना हो बिकॉज ये बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट। नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस प्रेजेंट होता है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस को स्प्रेड करते हैं। सो व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन? फर्स्ट इज कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर मीन्स डर्टी वाटर। देन शेयरिंग ऑफ नीडल्स। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर नीडल्स को शेयर किया, दैट इज इंजेक्शन जो एक पर्सन को दिया है उस सेम इंजेक्शन को दूसरे पर्सन को अगर इंजेक्ट किया तो व्हाटएवर द वायरस इज प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड पर्सन वो दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएगा एंड उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइज टू चेक द ब्लड ग्रुप एंड चेक फॉर वेरियस डिजीजेस। अगर उस पर्सन के अंदर कोई डिजीजेस है तो ऐसे पर्सन ने कभी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए बिकॉज उस पर्सन के ब्लड के अंदर जो भी वायरसेस प्रेजेंट होगा वो दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा एंड उसे भी इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, दिस वाज द मोड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द सिम्टम्स। सिम्टम्स इज एनोरेक्सिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया बेसिकली एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है पर जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उन्हें एपेटाइट लॉस होता है, दैट इज वो खा नहीं पाते, उन्हें भूख नहीं लगती है तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं एंड इस कंडीशन को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट इज येलो यूरिन। यूरिन जो होता है दैट इज एक्सट्रीम येलो इन कलर। देन जनरल वीकनेस, ऑब्वियसली खाना नहीं खा रहे, दे आर इल तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का वीकनेस होगा उनकी बॉडी में। देन नॉजिया। नॉजिया इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग एंड नेक्स्ट सिम्टम इज वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज ग्रे स्टूल। ग्रे स्टूल मीन्स जो भी हेपेटाइटिस पेशेंट रहता है उनका जो पॉटी होता है दैट इज ग्रे इन कलर। ओके, जो नॉर्मल पीपल में जो येलोइश ब्राउन होता है, पीपल अफेक्टेड बाय जॉन्डिस उनका जो स्टूल होता है, जो पॉटी होती है दैट इज ग्रे इन कलर। सो व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स? हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करना है। हेपेटाइटिस स्प्रेड कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर इज वन ऑफ द रीजन। सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड दैट हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। बॉइल्ड वाटर पीने से काफी हद तक हम काफी डिजीजे से बच सकते हैं बिकॉज बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स ऑल द पैथोजेंस प्रेजेंट इन दैट वाटर। सो वाटर के कंटामिनेशन की वजह से जो भी डिजीजेस स्प्रेड होते हैं, वी कैन अवॉइड गेटिंग दोज डिजीजेस बाय जस्ट ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। नेक्स्ट इज प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। जब भी बाहर से कहीं जाकर आओगे या खाने के लिए बैठोगे तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू क्लीन योर हैंड्स, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। सी लॉट ऑफ डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय दीज टू सिंपल हैबिट्स, बॉइल्ड वाटर को पीना और हाथों को अच्छे से वॉश करना, सोप से वॉश करना। ये दो चीजों से हम काफी डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं इन डिजीजेस से, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज इज डिसेंट्री। डिसेंट्री का जो पैथोजन है, दैट इज डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो है दैट इज डिफरेंट। कभी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, कुछ वायरसेस होते हैं, देन शिगेला, बेसिलाई, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ओके, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस है जिसकी वजह से डिसेंट्री हो सकता है। सो व्हाट आर द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिसेंट्री? कंटेमिनेटेड फूड, गंदे तरीके से जो स्टेल फूड है, अनहाइजीनिक प्लेसेस से अगर हम फूड को खाएं तो वहाँ पर जर्म्स, बैक्टीरियाज उस फूड में प्रेजेंट होना बहुत ऑब्वियस है। बिकॉज हाइजीन प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पर कंटेमिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देन कंटेमिनेटेड वाटर, बिकॉज कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें सीरियसली इल कर सकते हैं। सो दीज आर द मोड ऑफ इन्फेक्शन। Now let's look कि symptoms क्या होते हैं dysentery के। Watery stools and pain in abdomen, that is watery stools means emotions जो होते हैं it's very watery, then पेट में बहुत ज़्यादा extreme level का दर्द होना। Then what is the preventive measures? Contaminated water की वजह से हो रहा है तो obviously we should drink boiled water, always make sure that you carry boiled water with you, proper storage of food। घर पर भी जो भी चीजें बना रहे उसे प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो कंटामिनेट ना हो, उसके ऊपर कोई फ्लाइज ना आके बैठे। एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट? ORS कंजम्पशन के बाद उस पर्सन को एक लेवल ऑफ एनर्जी आ जाएगी बिकॉज इट हैज एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल, जो कि हमारी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज टाइफाइड। टाइफाइड एक पैथोजन की वजह से होता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। टाइफाइड का मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ओके। देन व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर टाइफाइड? एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, फूड खाने नहीं होता, भूख नहीं लगती है। देन हेडेक, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हेडेक होता है। देन एब्डोमेन में रैशेस आना। देन डिसेंट्री, लूज मोशंस होना। एंड फीवर, जो कि एकदम हाई फीवर होता है, दैट इज अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट आर द प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, अभी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रहा है तो वाटर को बॉइल करके पीना चाहिए, दैट इज क्लीन वाटर को पीना चाहिए। एंड दिस वैक्सीनेशन अगेंस्ट टाइफाइड एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। फ्यू डिजीजेस आपको दिया गया है। प्रिपेयर सिमिलर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिजीजेस लाइक एंटराइटिस, मलेरिया, प्लेग एंड एड्स। सो हम उसके बारे में भी क्विकली बात कर लेते हैं। इफ यू वांट आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंथराइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। सो एंथराइटिस का पैथोजन एस बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया, ओके, ये सारे हैं जो कि एंथराइटिस को स्प्रेड करते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करना। एंथराइटिस कुछ मेडिकेशंस या इलिसिट ड्रग्स उसकी वजह से भी हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स, बहुत ज्यादा हाई फीवर होना, पेट बहुत ज्यादा दर्द करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, देन वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कुछ होता है एंटराइटिस में। प्रिवेंशन क्या है? सो एज सेड अर्लियर ऑल्सो, हाथ धोना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है और बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड हमेशा हाथ को वॉश करना चाहिए। देन हमेशा कुक्ड फूड, प्रॉपरली कुक्ड फूड, आधा पका हुआ फूड ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ईट फूड दैट इज कुक्ड प्रॉपरली, देन पानी बॉइल करके पीना चाहिए, ओके। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एंथराइटिस। सो नेक्स्ट डिजीज गिवन इज मलेरिया। उसका पैथोजन कौन सा है? इट्स अ पैरासाइटिक प्रोटोजोअन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लास्मोडियम। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मॉस्किटो बाइट, ओके। मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ शेयर्ड एंड इन्फेक्टेड सिरिंजेस। अगर सिरिंजेस को रीयूज कर रहे हैं, एक पर्सन के ऊपर यूज कर दूसरे पर्सन को भी उसी सेम सिरिंज से इंजेक्ट करेंगे, विच इज वेरी बैड एक्चुअली, इट शुड नेवर हैपन। सो शेयर्ड या इन्फेक्टेड सिरिंजेस को यूज करने की वजह से भी मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। देन ट्रांसफ्यूजन, देन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी। व्हाट आर द सिम्टम्स? फीवर, हेडेक, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, मसल और जॉइंट पेन, एब्डोमिनल पेन, ओके, ये सब है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? मॉस्किटो बाइट को अवॉइड करना है, फर्स्ट ऑफ कोर्स वही होगा, मॉस्किटो से स्प्रेड हो रहा है, मॉस्किटो से बचना चाहिए जहाँ जब भी जैसे हो सकता है। वी शुड अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। ऑलवेज मेक श्योर कि आप मॉस्किटो नेट या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करो। सो नेक्स्ट infectious disease is plague. Plague yersinia pestis ये pathogen की वजह से होता है. Mode of infection क्या है? Animals और humans के बीच में by the bite of infected fleas. Then unprotected contact with infectious body fluids. मतलब एक person जो कि plague से infected है, उसे जब टेक केयर कर रहे हैं, उसे जब सपोर्ट कर रहे हैं, वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ दिस पर्सन, तो हमें भी प्लेग होने के चांसेस होते हैं. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर फर्स्ट प्रोटेक्टेड. उस पर्टिकुलर पर्सन का टेक केयर करना चाहिए. सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर्स एंड चिल्स, बॉडी एक, हेडेक, वीकनेस, वॉमिटिंग एंड नॉजिया. ओके, ये सब है सिम्टम्स. प्रिवेंटिव क्या मेजर्स ले सकते हैं? उनके बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अवॉइड होना चाहिए, बचना चाहिए. तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू वेयर ग्लव्स, यू वेयर मास्क. ओके, प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए. नेक्स्ट इज अवॉइड फ्ली बाइट्स. इंसेक्ट बाइट से अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट डिजीज इज चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है. मोड ऑफ इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. जो भी इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ या स्नीज करता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जो स्प्रेड आउट होते हैं उनके अंदर ये पैथोजन प्रेजेंट होगा, ये वायरस प्रेजेंट होगा एंड दूसरे पर्सन तक पहुंचेगा तो इट विल इन्फेक्ट दैट पर्सन एज वेल. नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. चिकन पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन से डायरेक्टली अगर हम कॉन्टैक्ट हुए तो फिर हमें चिकन पॉक्स आने के चांसेस हो जाते हैं. बाय सलाइवा, पर्सन का जो थूक होता है दैट ऑल्सो कंटेन्स दिस वायरस बाय टचिंग अ कंटामिनेटेड सर्फेस. ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, टायर्डनेस, रेस्ड पिंक और रेड बम्प्स. ओके, सो व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स? फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स चिकन पॉक्स का वैक्सीन इज अवेलेबल, सो उसे लेकर काफी हद तक आप अपने आप को बचा सकते हो. लेट्स लुक एट सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ मॉडर्न डेज. डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं. डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज. कैसे स्प्रेड होता है? इट्स स्प्रेड थ्रू अ मॉस्किटो टाइप कॉल्ड एडिस एजिप्टी. सो एडिस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है. देन दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय DEN-14 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेवी वायरस. ओके, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू? एक्यूट फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग. ओके, बहुत ज्यादा हाई फीवर होना, हेडेक आना, वॉमिटिंग करना, सब कुछ एक सिम्टम है. देन आई सॉकेट, दैट इज हमारी आंखों के आसपास का एरिया पूरा बहुत ज्यादा दुखना, इट्स अ प्रोमिनेंट सिम्टम. देन प्लेटलेट्स डिक्रीज होना. हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाते हैं. जब 10,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाते हैं तो इट कैन लीड टू इंटरनल हेमरेज. इंटरनल हेमरेज मींस इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है एंड ये ब्लीडिंग ब्रेन तक पहुंच सकता है एंड विच कैन बी वेरी फेटल. सो डेंगू कैन बी डेंजरस. ओके, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए. सो ऑलवेज अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग मॉस्किटो बाइट्स. सो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या क्या है? डेंगू को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय ब्लड टेस्ट. पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव. उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन को ट्रीट किया जाता है. वन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाइड्रेशन लेवल अपना बहुत ज्यादा रखना है, दैट इज हमेशा पानी पीना है, देन प्रॉपर रेस्ट लेना है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज. व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स? ऑफ कोर्स मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करना. तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट को यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं फुली बाय वेयरिंग फुल साइज क्लोथ्स. देन गेट rid of places जहाँ पे mosquitoes breed कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी old tires या unused flower pots होते हैं. Mosquitoes can breed in such कंडीशंस. ओके, सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि ऐसे जो अपने घर के आसपास कभी भी कचरा फैला के रखना नहीं चाहिए, पानी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए. देन अगर कोई भी फैमिली में इन्फेक्टेड है तो और भी ज्यादा हमें कॉशियस होना चाहिए और मॉस्किटो बाइट्स को और भी ज्यादा अवॉइड करना चाहिए. सो दीज वर सम प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डेंगू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके इन्फेक्ट करता है एंड इट्स कॉज्ड बाय अ वायरस. एक वायरस की वजह से होता है. वायरस कौन सा है? इन्फ्लुएंजा ए, दैट इज H1N1 वायरस. स्वाइन फ्लू स्प्रेड कैसे होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकता है थ्रू सेक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा. सिम्टम्स क्या क्या है स्वाइन फ्लू के? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है, गला खराब होता है, बॉडी पेन, देन एक्सट्रीम फटीग, फटीग मीन्स थकान होती है, वीकनेस होती है, वॉमिटिंग, डायरिया, दैट इज लूज मोशंस. ओके, सो ये सारे हैं स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स. डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? नेजो फैरेंजियल स्वैब टेस्ट, दैट इज नोज के अंदर कॉटन स्वैब को डालकर उसे हमारा जो नोज का सिक्रेशन है उसे कलेक्ट करते हैं एंड विद दैट टेस्ट किया जाता है या फिर ब्लड टेस्ट से भी आजकल पता लगता है. व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स? मेंटेन गुड हाइजीन, मास्क डालना है जब भी बाहर जा रहे हो, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए कि हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। विद दीज थिंग्स इन माइंड हम स्वाइन फ्लू से इन्फेक्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एड्स? एड्स रेफर्स टू एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डिजीज है वो एक वायरस की वजह से होता है, दैट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स में जो पर्सन का नेचुरल इम्यूनिटी होता है वो वीकेन हो जाता है, एंड हमारी बॉडी का जो नेचुरल इम्यूनिटी है अगर वो वीक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी इन्फेक्शन हमारी बॉडी को आ जाएंगे। एंड एड्स में वही होता है, दैट इज बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी वीकेन हो जाता है। एवरीवन्स बॉडी हैज नेचुरल एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस, तो जब भी ये डिजीज फाइटिंग एबिलिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाते हैं एंड वो सारी डिजीजेस से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ एड्स जो होता है इट्स पर्सन स्पेसिफिक, सबको एक जैसे सिम्टम्स नहीं होता है, हर पर्सन का जो सिम्टम्स होता है वो अलग अलग होता है। एड्स स्प्रेड कैसे होता है? इट इज स्प्रेड थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट। ब्लड जब इन्फेक्टेड ब्लड जब दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जाता है तभी ही एड्स हो सकता है। एड्स को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एलिसा टेस्ट। देन ऑलवेज रिमेंबर एड डज नॉट अकर ड्यू टू टचिंग और शेयरिंग फूड विद इन्फेक्टेड पर्सन और नर्सिंग देम। कोई भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से या उसके साथ फूड को शेयर करने से या उनका ख्याल रखने से कभी भी दूसरे पर्सन को एड्स नहीं हो सकता है, ओके। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एक पर्सन जिसे एड्स है उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, डर कर उससे दूर नहीं भागना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट फ्यू इन्फेक्शंस जो कि एनिमल्स की वजह से होता है। फर्स्ट इज रेबीज। रेबीज एक वायरल डिजीज है। ये क्यों अकर होता है? इट्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट, ये सब जो इन्फेक्टेड एनिमल्स रहते हैं उनके बाइट की वजह से वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता। सो वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम रेबिट एनिमल्स अटैक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक पर्सन के अंदर अगर ये वायरस एंटर हो गया तो उस पर्सन के ब्रेन को सीधा अफेक्ट करता है, उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको अटैक करता है। इसीलिए रेबीज काफी फेटल होता है। अगर टाइम पर एक्शन नहीं लिया बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रेबीज से डेथ भी हो सकती है, ओके। इमीडिएटली आफ्टर ये एनिमल्स के बाइट के बाद वैक्सीनेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम्स का वेट करेंगे तब तक अगर वैक्सीनेशन को नहीं लिया गया तो रेबीज फेटल हो सकता है, दैट इज वो पर्सन मर सकता है। देन व्हाट आर द सिम्टम्स? 2 से 12 हफ्ते तक फीवर होना, देन बिहेवियर में एग्जैजरेशन होना, पानी से बहुत ज्यादा डर लगना। अब व्हाई दिस बिहेवियर चेंजेस हैपनिंग? बिकॉज ये वायरस जो है सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसलिए बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं, पानी से डर लगने लगता है। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? डॉग्स एंड कैट्स, अगर घर पे डॉग्स एंड कैट्स है या फिर इवन द एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट, दे ऑल शुड बी वैक्सीनेटेड, ओके। जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, जो भी स्ट्रे एनिमल्स, उनसे दूर रहना चाहिए। एंड इन केस इफ एनी पर्सन गेट्स बिटन, एनिमल ने अगर उन्हें काट लिया है तो उस एरिया को प्रॉपरली सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए सेवरल मिनट्स तक। ऐसे नहीं कि जल्दी से वॉश करके छोड़ दिया, अच्छे से काफ़ी ड्यूरेशन तक उसे वॉश करना चाहिए एंड इमीडिएटली, ओके। Do not wait for any symptoms. Immediately go to a doctor, get the vaccination. Otherwise, it is very fatal. Symptoms का wait करेंगे तो it will be very fatal and बहुत late हो जाएगा. Okay, so we'll stop here. This was part 1 of the chapter जहाँ पे हमने infectious diseases के बारे में बात किया. So I hope this video was helpful for you. If you have any doubts, do ask your doubts in the comment section. And if you like my teaching, do consider subscribing to my channel. Hit that like button and share it with your friends. Thank you so much for watching. This is Shrija signing off. See you in the next video.